उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से हम सब भी ठीक है। वेलकम बैक ऑन अक्सादिल व्लॉग। तो आगे मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ, आज के व्लॉग में मैं आपको ना तो कोई ब्यूटी हैक बताऊंगी और ना ही कोई चैलेंज है, ठीक है। आज के व्लॉग में मैं आपको कुकिंग के अबाउट कुछ बताऊंगी, बिकॉज लास्ट वीडियो पे मैंने जेल फ्राइज बताई थी तो लोगों ने बहुत ही पसंद की थी, ठीक है। तो काफ़ी लेट हो गया, मैंने सोचा आज मैं आपको ना कोई रेसिपी शेयर करती हूँ आपके साथ, तो मैंने सोचा आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर करती हूँ। आज जैसे कि गर्मियाँ हैं तो ड्रिंक का तो सब हर किसी को शौक होता है, तो आज मैं आपको रेसिपी बताऊंगी आइसक्रीम कोल्ड कॉफ़ी के बारे में, ठीक है। आज मैं आपको उसके बारे में रेसिपी बताऊंगी और आप लोग बताना कि आप लोग को वो रेसिपी कैसी लगी, शेयर करना मेरे साथ। और फिर जब मैं रेसिपी बना लूँगी उसके बाद मैं आदिल के साथ भी शेयर करूँगी, ठीक है। आपको भी दिखाऊँगी, आदिल बताएँगे, मुझे पॉइंट देंगे कि उनको कैसी लगी वो रेसिपी मेरी, ठीक है। तो चलते हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो जी हाँ, आगे हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम करेंगे डेकोरेशन ग्लासेस की, बिकॉज इन्हें फ्रिज में रखना है हमने डेकोरेट करके। ये है चॉकलेट मेल्ट की हुई, मैंने खुद ही चॉकलेट मंगा के उसे मेल्ट कर लिया, पानी को गर्म करके उसके अंदर शीशे की कोई भी प्याली रख के फिर इसे मेल्ट करना, डायरेक्ट आंच पे इसको मेल्ट नहीं करना, ठीक है। और फिर मैंने चॉकलेट को अलग इसे वो मैश कर लिया, ठीक है, डेकोरेशन के लिए। अब हम ये ग्लास लिया, इसको डायरेक्ट यहाँ पर लगा चॉकलेट ग्लास के कॉर्नर्स पे इस तरह से हमने लगा लेनी है चॉकलेट, नीचे भी वो खुद ही जाती रहेगी, इस तरह वो डेकोरेशंस की बन जाएगी। अच्छे से कॉर्नर्स पे लगा लेनी है चॉकलेट। आप लोग जिसके पास सीरम है चॉकलेट सीरम वो उससे भी कर सकता है, मेरे पास चॉकलेट सीरम नहीं है इसलिए मैं इस तरह लगा रही हूँ, हर किसी के पास चॉकलेट सीरम अवेलेबल नहीं होता, ठीक हो गया। ये लगा लिया, अब इसको हमने चॉकलेट में ऐसे डिप कर देना, ये देखिए ये चीज़ ओके। और हमें डेकोरेशन चाहिए गिलास की, तो हम थोड़ी सी चॉकलेट लेंगे गिलास में और इसको यहाँ पे रफ रफ लगा देंगे, ठीक है। जब ये ड्राई हो जाएगा ना फ्रिज में रखने से, ठंडा हो जाएगा, तो इसकी बहुत अच्छी लुक आएगी, कोल्ड कॉफ़ी इसके अंदर डली होगी तो बहुत अच्छी आएगी। ये देखें, ये हम लास्ट पे भी डाल देते हैं थोड़ी सी अंदर, ऐसे गिरा देते हैं लास्ट पे, ठीक है। देखिए मैं एक बार और लगा रही हूँ, बिकॉज मुझे चॉकलेट ज़्यादा चाहिए, ठीक है। ये चॉकलेट लगाई, एक बार फिर से इसको मैंने डीप किया इसके अंदर, ये देखिए अच्छे से, वाव ऑसम। अब मैंने इसे जल्दी से फ्रिज में रख देना, ठीक हो गया। ये देखें गिलास, अब मैं दूसरा गिलास भी जल्दी से रेडी कर देती हूँ। बहुत ही यमी होती है ये कोल्ड कॉफ़ी, ये देखिए ओके हो गया। ये हम गिलास के नीचे भी चॉकलेट डाल रहे हैं, चॉकलेट हर एक पर्सन को पसंद होती है, और गिलास में जब डेकोरेशन होती है चॉकलेट की और अंदर भी कोल्ड कॉफ़ी डले, बहुत ही यमी लगती है, ये देखिए ठीक है। एक कोट मैं और इसका लगाऊंगी चॉकलेट का यहाँ पे, ये देखें गुड हो गया। ये देख लें, जब आप ग्लास की डेकोरेशन अपने हिसाब से आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, ठीक है, लाइट भी रख सकते हैं। यहाँ पे लगा लेते हैं थोड़ी सी बस, अब मैं इसको जल्दी से फ्रिज में जल्दी से रख देना आपने, ठीक है, मैं आती हूँ फ्रिज में रख के। तो जी हाँ, आगे हम अपनी आइसक्रीम कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी की तरफ, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि ये हम कैसे बनाएंगे। हमें चाहिए कॉफ़ी, जो नेस्ले की कॉफ़ी होती है, जिसकी कोई भी कॉफ़ी आप ले सकते हैं, उसके दो चम्मच, ठीक है, एक गिलास में दो चम्मच, और मुझे बनाने हैं दो गिलास तो मैं लूँगी चार चम्मच, ठीक हो गया। ये देखो ये ले लीजिए मैंने चार चम्मच, ठीक हो गया। और अब इसमें डालेंगे हम तीन चम्मच चीनी, चीनी अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं आप लोग, ठीक है, जिसको जितनी पसंद है वो, चार ही डाल देती हूँ, कम ही ना हो जाए, ठीक हो गया। अब हम इसमें डालेंगे हल्का सा गरम पानी, ठीक हो गया, चम्मच काम रख दिया,
इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए मिक्स हो गया, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे 2 ग्लास दूध, मशीन में डालेंगे। दो ग्लास दूध, ठीक है, दूध डाल दिया। और ये जो हमने कॉफ़ी का मिक्सर बनाया हुआ है हम ये ऐड कर देंगे इसमें। सॉरी, ये ऐड कर दिया देखो, क्योंकि हम बना रहे हैं आइसक्रीम कोल्ड कॉफ़ी। अब हम इसमें डालेंगे आइसक्रीम, आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं, ठीक है। वनीला लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, ये मैंगो है, वैसे कोई सा भी ले लें। इसलिए मैं सारा डाल कप आइसक्रीम, मुझे बिकॉज 2 ग्लास बनाने ना, इसलिए मैंने ज़्यादा आइसक्रीम नहीं मंगवाई। और दूध भी आपका बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, बॉयल करके फ्रिज में रखें ठंडा दूध, ठीक है। और इसके साथ हमने डालना है आइस क्यूब्स, कोल्ड कॉफ़ी में डालेंगे आइस क्यूब्स। चलिए अब हम इसके कर देते हैं ग्राइंड। तो ये मेरे पास चॉकलेट बच गई थी, ठीक है। जिसको चॉकलेट बहुत पसंद है, चॉकलेट शेक, तो वो इसमें चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। ये देखिए, ये मैं डाल रही हूँ चॉकलेट इतनी सी, कुछ मैं ना भी बाद में ग्लास के ऊपर डाल दूँगी। अब मैं इसको एक बार फिर से शेक कर लेती हूँ। तो जी हाँ, ये बन चुकी है, ये देखें इसके ऊपर फुल झाग कैसी है। झाग आएगी तो सबसे बेस्ट हमारी कोल्ड कॉफ़ी बनी है, ठीक है। ये अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं, पहले कोल्ड कॉफ़ी डालनी है, लास्ट पे आपने इसके ऊपर झाग डालनी है, ठीक है। बहुत ही यमी होती है। मैं इसके ऊपर ये चॉकलेट वाले के साथ ही ये झाग डाल रही हूँ, देख। बाज़ार से सेम ऐसे ही मिलते हैं, जब हम किसी होटल वगैरह में जाएं ना कोल्ड कॉफ़ी पीने, तो ऐसी ही मिलती है। ये देखिए सारी झाग आपने फुल ग्लास के ऊपर तक कर देनी। आ रही है सही, देखिए हो गया, मेरी झाग सारी फिनिश हो गई है। ग्लास में डाल दिया ये हमने, अब इसके ऊपर वही जो चॉकलेट हमने क्यूब्स किए हुए थे जो ग्लास के किनारे पे लगाए थे ना, वही हम इसके ऊपर ना रफ रफ गिरा देंगे, ठीक हो गया। डेकोरेशन तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जिस तरह से आपको अच्छी लगे, ठीक है। अब ये मेल्ट की हुई चॉकलेट है, अब इसको भी मैं चॉकलेट हर कोई बहुत ही शौक से ना बस खाता है, तो इसीलिए गिलास पे भी हम वाह। ये देखें जी फाइनल लुक। अब मैं आदिल को इसका टेस्ट करवाऊंगी और फिर आपसे मिलती हूँ, आदिल के पास लेके जाती हूँ और फिर आपको बताती हूँ ये कैसे। तो जी हाँ, आ गई हूँ मैं अपनी आइसक्रीम कोल्ड कॉफी के साथ और अपने साथ लेके आई हूँ आदिल जी। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज अक्सर ने बनाई है जी कोल्ड कॉफी खास मेरे लिए। मैं इनको जज करने के लिए बुलाया मैंने इन्हें कि ये बताएं मुझे कि कोल्ड कॉफी कैसी बनी है। ऐसे देखने में तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है, प्यारी लग रही है। अब देखो पीने में कैसी लगेगी। डिजाइनिंग अच्छी की है ना मैंने, डिजाइनिंग माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। तो देखते हैं पी के कैसी लगती है, स्टार्ट करें आप फिर और व्यूअर्स को बताएं कि कैसी दिल है। तो नहीं कर रहा वैसे, जितनी प्यारी लग रही, पीने का दिल नहीं कर रहा, दिल कर रहा ऐसे ही रखी। थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी तारीफ की कोल्ड कॉफी की, बहुत मजे का। यहाँ
यमी मैं भी पी लूं फिर, मुझे भी दिल कर रहा है पीने का। चेक करो इतनी यमी बनाई, सीरियसली आपने बात ठीक की, दिल नहीं कर रहा पीने का, दिल कर रहा है ऐसे डेकोरेट करके रख लो इसको, बिकॉज डेकोरेशन ही बहुत मजे की हुई। सो यमी बताएं आपको क्या फील हुआ आपको ये पी के, क्या आ रहा है मुंह में आपके? मैं कहता हूँ भाई जैसे हम लोग बाहर पीने जाते हैं ना किसी होटल वगैरह पे, कोई भी फर्क नहीं है उसमें, उसमें या इसमें कह लो, बहुत ही मजे की लग रही मुझे तो। तो बाकी तो मैं अभी आराम आराम से पीऊंगा वीडियो के बाद में, जल्दी मैं ऐसे जल्दी जल्दी फिनिश नहीं करूँगा। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें मैं अक्सर को देता हूँ पॉइंट, अगर मैं देना चाहूँ तो मेरे हिसाब में तो 10 में से अगर दूँ ना तो 9.5 दूंगा। 5 किस लिए कटिंग? आपने ना खड़े होके पिलाई। अच्छा जी। क्या खड़े होके पिलाने की वजह से मैं इनको 0.5 में इनका कट कर रहा हूँ। तो बाकी वैसे कॉफी बहुत मजे की है, तो आप लोग भी प्लीज इसे ट्राई करना, बहुत ही यमी बनती है। जेल फ्रेजे भी मैंने आपको बताया था बहुत यमी बनी और सबने पसंद की, इसी तरह ये आइसक्रीम कोल्ड कॉफी भी बहुत ही यमी बनती है, बहुत ही। आप भी ट्राई करना और मुझे फीडबैक देना कि आपको कैसी लगी, ठीक है? तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।